हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल इफ यू हैवंट डन दैट। तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, द थ्रेट ऑफ राइजिंग सी लेवल्स। देखिए, ये आर्टिकल ना ही केवल आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो मेरी आपको ये सिंसियर सजेशन है, अगर आप भी यू नो सब्सक्रिप्शन आपके पास न्यूज़पेपर की है, तो आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर मैप को सेव कर रखिए। अगर आप फिजिकल फॉर्म में पढ़ते हैं तो इसकी कटिंग कर रखिए। अगर आप सिर्फ इन वीडियो से कवर कर रहे हैं तो आई वुड जूम इट आउट इन द ड्यू कोर्स। आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट इस पर्टिकुलर मैप का लेकर रखिए, क्योंकि अगर सी लेवल राइज, क्लाइमेट चेंज, कितना मिलियन पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एग्जैक्ट मैप को रेप्लीकेट करेंगे अगर अपने यू नो मेन्स के आंसर में, तो इट वुड बी अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मैप। ओके, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या न्यूज है। तो WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, अपनी एक नई रिपोर्ट में ये फाइंड आउट किया है कि देखिए, जो वर्ल्ड के सी लेवल है वो राइज कर रहे हैं बहुत ही तेजी की गति से, एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट। साथ ही में जो इसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं वेदर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एक्सटेंट ग्राउंड वाटर क्राइसिस और सोशल डिस्पैरिटीज। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि आपके मेंस में जो क्वेश्चन है वो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स हैं, स्पेशली अगर हम आपके 15 मार्कर्स की बात करें। तो ये एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे जो वर्ल्ड्स राइजिंग सी लेवल्स हैं उसका इम्पैक्ट हम वेदर, एग्रीकल्चर, ग्राउंड वाटर और सोशल डिस्पैरिटीज पे देख सकते हैं। तो आपको ऑफकोर्स इस हर एक कॉम्पोनेंट को उठाना है, उसकी एक हेडिंग बनानी है, उसके नीचे उसके कॉजेज लिखने हैं कि कैसे सी लेवल राइज इसमें एक क्राइसिस लेके आएगा इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट में, और क्या ऑफकोर्स इसको प्रिवेंट करने के या इस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट को डील करने के स्टेप्स हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए, आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन निकालता है। WMO रिलीज करता है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, हम आज डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आई थिंक पहले भी एक बार प्रेलिम्स में पूछा जा सकता है, आप PYQs चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है पिछले हफ्ते पब्लिश की गई है, तो इसने ना ही केवल इस सी लेवल राइज पे अपना फोकस जताया है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों पे, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, साथ ही में हम ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते देख रहे हैं, ग्लेशियर लॉस हो रहा है, ड्राउट लाइक कंडीशंस हमने ईस्ट अफ्रीका में देखी हैं, पाकिस्तान की रिकॉर्ड रेनफॉल के बारे में, जो हमने पाकिस्तान फ्लड्स देखी थी, कैसे अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स हुए हैं 2022 में, आपने देखा जैसे यूरोप में, चाइना में, जो हमने इनिशियल वीडियोज में अपनी कवर भी किया था, क्या रीजन था क्या नहीं था। अब देखिए, यहां पे अगर हम एक प्रेस रिलीज में क्या जिस्ट है पूरी यू नो रिपोर्ट का, तो उससे हमें पता चलता है कि जो ड्राउट्स हैं, फ्लड्स हैं, हीट वेव्स हैं, वो हर एक कॉन्टिनेंट की कम्युनिटीज को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपके प्रेलिम्स में ये लिखा है कि ये रिसेंटली जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि यू नो ड्राउट, फ्लड्स एंड हीट वेव्स, दे अफेक्टेड कम्युनिटीज ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो आप एवरी पढ़ के ये मत समझिएगा अरे कोई तो ऐसा कॉन्टिनेंट होगा जहाँ क्लाइमेट चेंज नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो जो अंटार्कटिक सी है, अंटार्कटिक सी आइस, इट फेल टू इट्स लोएस्ट एक्सटेंट ऑन रिकॉर्ड, और जो हमने कुछ यूरोपियन ग्लेशियर्स में तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड यू नो मेल्टिंग भी देखी है। व्हाइल द सी लेवल राइज इज वन ऑफ द सेवरल कंपाउंडिंग डिजास्टर्स, ऑफकोर्स देखिए, सी लेवल राइज इज नॉट द होल एंड सोल डिजास्टर, राइट? बहुत सारे कंपाउंडिंग डिजास्टर्स आज के समय में हमें पता है जो क्लाइमेट रिलेटेड है, उसमें से एक पार्ट है सी लेवल राइज। ठीक है, तो ये चीज तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, रिपोर्ट भी एक्नॉलेज करती है, लेकिन साथ ही में रिपोर्ट ये भी कहती है कि देखिए, आप सी लेवल राइज को लेकिन कम नहीं आंक सकते, क्योंकि सी लेवल राइज की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इट कैन प्रेसिपिटेट अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स इन क्राइसिस, जैसे कोस्टल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली, जो कम्युनिटीज वहां पे फिश पे डिपेंड करती हैं या प्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए, उसको
कैच करके देन दे सेल इट इन द मार्केट और वट एवर मे बी दे एक्सपोर्ट इट. तो अगर यू नो उन सारी तरीके के लिए मे बी उनका लैंड चला जाएगा, अगर सी लेवल राइज इतना ज़्यादा हो गया कि उनका लैंड भी सबमर्ज हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एंड इट्स एबिलिटी टू रेंडर द लॉस ऑफ लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया. अब बात यह है हाउ मच इज द सी राइजिंग, सी राइज हो रहा है कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ केटर करेंगे. कितना सी बढ़ रहा है, सी लेवल तो बढ़ रहा है पर कितना. ओके, द रेट ऑफ ग्लोबल मीन सी लेवल GSML. देखिए जो GSML है, मैं आगे क्योंकि ये बहुत बार एक्रोनिम यूज होगा तो मैं इसको GSML ही बोलूंगी, लेकिन हम शुरुआत में देख लेते हैं ग्लोबल मीन सी लेवल. ओके, ग्लोबल मीन सी लेवल, तो जो GSML राइज है और जो रेट ऑफ राइज है, कितनी गति से बढ़ रहा है. रेट ऑफ राइज एंड राइज में डिफरेंस है, राइज मतलब कितना बढ़ रहा है एंड रेट ऑफ राइज इज हर साल कितनी गति से बढ़ रहा है. ठीक है, तो जो रेट ऑफ राइज है इट हैज डबल्ड. जब पहला जो यू नो डेकेड था, पहले 10 साल थे जब हमने सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से रिकॉर्ड करना शुरू किया था राइज को, सी लेवल राइज को, वो पहले डेकेड को अगर हम जो लेटेस्ट डेकेड है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो डबल हो गया है रेट ऑफ राइज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको ट्रिपल, क्वाड्रिपल या हाफ्ड कुछ भी लिखा हो सकता है, विच इज कंप्लीटली रबिश बिकॉज यू हैव टू नो दैट इट हैज गॉटन डबल्ड. ओके, तो यहाँ पे देखिए, जब मैंने आपको ये कहा कि वो पहला डेकेड या वो जो पहले 10 साल जब सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया था और लेटेस्ट जो डेकेड, तो पहला डेकेड कौन सा था हमें ये जानना जरूरी है. तो 1990s ऑनवर्ड्स जो साइंटिस्ट्स हैं दे हैव बीन मेजरिंग सी लेवल राइज यूजिंग सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स. तो देखिए क्या होता है, सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स क्या करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रेडार पल्सेस भेजते हैं सी सर्फेस पे. ठीक है, सेंड की इन्होंने अपने सिग्नल्स और ये क्या करते हैं, ये टाइम मेजर करते हैं कि इन सिग्नल्स को वापस आने में कितना टाइम लगा और क्या जब ये सिग्नल वापस आते हैं तो इनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, कैसी हो जाती है, डिम, स्ट्रॉन्गर, व्हाटएवर. तो ये दो चीज़ें बेसिकली ये टेस्ट करते हैं. अब देखिए ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, हायर द सी लेवल द फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर द रिटर्न सिग्नल, यानी कि जितना ज़्यादा सी लेवल बड़ा है या है उतना ही जल्दी यू नो रिटर्न सिग्नल आएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न सिग्नल आएगा. तो आपके प्रीलिम्स में से मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, द हायर द सी लेवल द स्लोअर एंड वीकर द रिटर्न सिग्नल. और आपको ये काफी कॉमन सेंसिकल भी लग सकता है अगर आपको ये बेसिक नहीं पता चीज तो. ठीक है, रिसर्चर्स आर एबल टू डिटरमाइन GSML बाय कलेक्टिंग दिस डेटा. तो ऑफकोर्स इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है जो हमने देखा सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, राइट, जो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं. ऑफकोर्स हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के लिए थोड़े ना बता सकते हैं, तो पूरे वर्ल्ड का बताना है, वर्ल्ड सी लेवल के बारे में बात करना है, तो हमने एवरेज निकाल लिया. अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज कितना है GSML में, ओके, मतलब हाउ फास्ट और हाउ स्लो द सी लेवल इज चेंजिंग, देन वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस इन द GSML अक्रॉस अ फ्यू ईयर्स. यूजली डेकेड लेते हैं 10 साल, ठीक है, और फिर हम उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 साल से हमने डिवाइड कर दिया. तो ये हमें बेसिकली एक एस्टिमेट दे देता है रेट ऑफ सी लेवल चेंज का. नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आगे चीज़ें जो हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है. अगर हम WMO की रिपोर्ट की बात करें, द सी लेवल हैज़ बीन राइजिंग इन द 3 decades. तो सी लेवल राइज हो रहा है पिछले 30 सालों से, यू नो जब से हमारे पास ये सैटेलाइट डेटा अवेलेबल होना शुरू हुआ है, यानी कि 1993 से 2022, तो ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन जो रेट ऑफ सी लेवल राइज है वो जैसे कि मैंने बताया डबल हो गया है. ठीक है, तो 1993 से 2000, यानी कि 1993 पहला साल था, यानी कि वो डेकेड, पहला डेकेड था जब हमने इसे काउंट किया या मेजर किया, तो 1993 से 2002 के बीच में जो सी लेवल राइज था इट वॉज 2.27 मिलीमीटर पर ईयर. और अगर हम बात करें 2023 से लेके 2022 की, इसमें है 4.62 मिलीमीटर पर ईयर. दिस इज गॉटन डबल्ड. ओके, अब देखिए इस तरह के डेटा आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है, कम हैंडी, यू नो यू कैन स्टार्ट योर आंसर्स एग्जैक्टली दिस वे. एग्जैक्टली ये कोट कीजिए स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट का डेटा लिख के एंड यू बिगिन योर आंसर. ओके, व्हाट कॉजेज एक्सेलरेटर, बात ये है हमने देख लिया कितना राइज हो रहा है. ठीक है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया. अब क्या, क्यों हो ही क्यों रहा है सी लेवल राइज, तो WMO की रिपोर्ट जो है वो कुछ फैक्टर्स बताती है.
बहुत इंपॉर्टेंट आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से. प्रीलिम्स में ऑफकोर्स क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिस्टेड बिलो अकाउंट फॉर सी लेवल राइज एज पर द WMO रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज. ऑफकोर्स उसमें रिपोर्ट का नाम लिखा होगा, या वैसे भी जर्नलिस्टिक भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, वॉट आर द कॉजेज फॉर एक्सेलरेटेड सी लेवल राइज. ओके, और इनफैक्ट देखिए जैसे मल्टीलैटरल जो बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट जो आती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट या ऐसी तरह की जो भी रिपोर्ट्स हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ठीक है, तो मे बी आपके GS3 में या GS1 में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इस रिपोर्ट पे ही, तो फिर तो आप यू कैन नॉट एस्केप. अदरवाइज तो ये आपके लिए वैल्यू एडिशन या पॉइंट्स बन जाते हैं, पर उस चीज में तो आपको स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के ही पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो यू विल हैव टू कवर इट अप. और कॉजेज क्या हैं बेसिकली, क्या रिस्पॉन्सिबल है राइजिंग सी लेवल या राइजिंग GSML के लिए? ओशन वार्मिंग, पॉइंट नंबर 1 इज ओशन वार्मिंग. जितना ज़्यादा ओशन वार्म करेगा, एक्सपैंड करेगा, ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा सी लेवल राइज होगा. पॉइंट नंबर 2, आइस लॉस फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. पॉइंट नंबर 3, चेंजेस इन लैंड वाटर स्टोरेज. ओके, साथ ही में ये जो रिपोर्ट है क्वांटिफाई करती है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो रिपोर्ट, जो रिसर्चर्स कहते हैं, ये रिपोर्ट बताती है GSML बजट के बारे में भी, यानी कि कितना ओशन वार्मिंग की वजह से सी लेवल हुआ है एक डेकेड में, कितना आइस लॉस की वजह से सी लेवल राइज हुआ है. तो ऐसे GSML बजट हमें यहाँ से मिल जाता है. ओके, तो हम रिपोर्ट को ही अगर देखें, 2005 से 2019 के बीच में जो लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अगेन प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, कि सबसे ज्यादा सी लेवल राइज किसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बिटवीन 2005 टू 2019 और इन द प्रीवियस टू डेकेड्स, है ना, इस तरह का कोई क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा जो सी राइज है, सी लेवल राइज है, वो कॉज किया है ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की मेल्टिंग ने, विच इज नॉट ट्रू. ओके, ओशन वार्मिंग ने किया है, हम देखेंगे. खैर, तो ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है. तो जो लॉस ऑफ ग्लेशियर्स है और आइस शीट्स है, वो कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 36% ऑफ द GSML राइज. अगर हम ओशन वार्मिंग की बात करें, ओशन वार्मिंग यानी कि राइजिंग मीन ओशन टेम्परेचर्स, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड 55% ऑफ द GSML राइज. और अगर हम बात करें लैंड वाटर स्टोरेज ऑफ लैंड वाटर में चेंज आना, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड लेस देन 10%. मे बी ऐसा दिया जा सकता है कि चेंजेस इन द स्टोरेज ऑफ लैंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 50% इन द GSML राइज, विच इज क्वाइट रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओके, as increasing concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gases drive global warming. तो आप जानते हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात ओशन वार्मिंग क्यों हो रही है, आपको आपके prelims में ये question पूछा जा चुका है, और मैं आपको फिर ऑफकोर्स अपने static में भी आप cover करते हैं, लेकिन फिर let's just discuss it के जैसे जैसे greenhouse gases बढ़ती रहेंगी या global warming बढ़ती रहेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ocean warming होती रहेगी, क्योंकि जो ओशंस हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं एक्स्ट्रा हीट को. ओके, और वो जब हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, वो एक्सपैंड करेंगे, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल राइज होगा. एज इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज ड्राइव ग्लोबल वार्मिंग 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट. नाउ दिस इज क्वाइट अ सिग्निफिकेंट प्रिपोर्शन. 90% ऑफ द एक्स्ट्रा हीट इज स्टोर्ड इन द ओशंस. तो अब आई थिंक आपको ये बात पता चलती, कई लोग कहते हैं कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी ऑफकोर्स ओशंस करते हैं, तो क्वाइट राइट. ओके, दिस लीड्स टू ओशन ओशन वार्मिंग, एंड एज द ओशन हीट्स अप इट अंडरगोज थर्मल एक्सपेंशन विच इन टर्न लीड्स टू अ राइज इन द GSML, जैसे कि मैंने आपको बताया. और एक जो मेजर है ओशन वार्मिंग को मेजर करने का, वो है ओशन हीट कंटेंट, OHC. तो जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि OHC मेजर्स 2022 में दे टच्ड अ रिकॉर्ड, अ न्यू रिकॉर्ड बेसिकली. रिपोर्ट ऑल्सो सेज जो अर्थ की आइस कवर है, जिसे हम क्रायोस्फेयर कहते हैं, आई थिंक 2017 मेंस का पेपर उठा के देखिए, उस पर आपको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन मिलता है क्रायोस्फेयर पे. बहुत सारे लोगों को यही नहीं जब पता कि क्रायोस्फेयर होता क्या है, लेट अलोन कि आप आंसर क्या लिखेंगे. देखिए ऐसा हो सकता है बिल्कुल पेपर में कि आपको वो एग्जैक्टली कॉन्टेंट ना हो उस पर,
तो वो चल जाता है, क्योंकि आप अगर आपको सिर्फ ये पता है कि उसका मतलब क्या है जो पूछा गया है, उस वर्ड का मतलब क्या है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल परमाकल्चर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर आपसे फर्टिगेशन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में, तो सिर्फ अगर आपको ये भी पता है ना कि उसका मतलब क्या है उस वर्ड का, तो आप अपना यू नो आंसर सही मार्क कर सकते हैं। या फिर अगर आपके मेंस में फर्टिगेशन पे क्वेश्चन आ गया, तो अगर आपको सिर्फ इतना पढ़ा है तो पता है, तो आप पूरा आंसर भी लिख के आ सकते हैं। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग देयर। क्रायोस्फीयर क्या होती है? क्रायोस्फीयर ऑफ कोर्स जितनी भी अर्थ की आइस कवर है, जो भी आइस रिलेटेड चीजें हैं वो क्रायोस्फीयर में आती है। क्रायोस्फीयर ऑफ कोर्स ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो आर अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रायोस्फीयर। ओके, तो उसमें आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स जिसे हम सी आइस कहते हैं, ये सारे जो आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन्स हैं ये सी एरियाज हैं और वो सी आइस है, बेसिकली जो आइस है वो सी के सरफेस पे ही है, ठीक है। और क्या क्या क्रायोस्फीयर में आता है? ग्लेशियर्स आते हैं, आइस शीट्स आती हैं ग्रीनलैंड की, अंटार्कटिका की, ओके, एरिया ऑफ आइस ऑन लैंड कवरिंग मोर देन 50,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। सीजनल स्नो कवर भी आता है, परमाफ्रॉस्ट भी आता है, तो ये सारी चीजें क्रायोस्फीयर में आती हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? मास ऑफ लैंड जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे रहता है फॉर एटलीस्ट 2 straight years, यानी कि 2 साल से कम जमा हो जाना होना चाहिए वो लैंड का एरिया, ठीक है। तो अगर आपसे आपके प्रीलिम्स में परमाफ्रॉस्ट पे कोई क्वेश्चन आता है और उसको ऐसे लिखा है कि फॉर 3 consecutive years आप यू नो कम से कम फ्रीज होना चाहिए एक एरिया, ताकि उसे हम परमाफ्रॉस्ट कह सकें। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली परमानेंटली फ्रॉस्ट, अगर आप इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं तो परमानेंटली होने के लिए कम से कम 2 साल तो हो, ओके। तो व्हाट डू द रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स मीन? बस इतना कि WMO की रिपोर्ट सिर्फ उन चीजों को, उन ट्रेंड्स को कंफर्म करती है जो हमें ऑलरेडी पता है। IPCC टॉक्स अबाउट इट, हमारे जो नेशनल इनिशिएटिव्स हैं, हमारे रिसर्चर्स हैं इसरो के, दे टॉक अबाउट इट, सो एवरीबडी नोज इट, पर इन्होंने कंफर्म कर दिया बस जो हमें आज तक ट्रेंड्स पता थे, ओके। व्हाट प्रॉब्लम्स विल सी लेवल राइज कॉज? अब आते हैं प्रॉब्लम्स पे। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था कि यू नो कोस्टल कम्युनिटीज के लिए क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, जो ये एक्सेलरेटेड पेस है सी लेवल राइज की, ये लैंड कवर में चेंज करेंगे। What will be, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, what will be land and what will be sea in the future, वो change हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो देखिए जैसे जैसे sea level rise होता जाएगा, okay, तो sea level rise हो रहा तो कहाँ आएगा वो? किसी चीज को तो invade करेगा और वो है land, land पे आ जाएगा पानी, तो जो कल land था वो आज sea बन जाएगा। I hope you get my point. Now seas will swallow more of the land cover. And that too particularly in the coastal areas. Of course, inland areas में कहाँ से इतना ज़्यादा impact होगा? इसका coastal areas पे होगा। और इसी वजह से जो coastal communities हैं, उनके पास acute shortage हो जाएगी land for even human use. Okay, तो ये जो land crunch है, देखिए अगर आपसे prelims में directly पूछा गया है कि sea level rise can lead to land crunch, तो बिल्कुल अपना logic लगाइए कि सी अगर जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है तो कहाँ जा रहा है वो पानी? लैंड पे आ रहा है, लैंड कम हो रहा है, लैंड क्रंच हो रहा है, सिंपल। तो ये जो लैंड क्रंच है, इट विल ऑल्सो मीन जो बेटर ऑफ पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, वो उनके पास ज्यादा कोपिंग केपेबिलिटी है रादर देन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स क्योंकि ज्यादा इंपैक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज से, सी लेवल राइज से, तो ऑफ कोर्स सोशल डिस्पैरिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। द पुअर वुड बिकम इवन पुअरर एंड द वेल ऑफ कैन ऑफ कोर्स कोप अप, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन सोशल डिस्पैरिटीज बिटवीन द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज में से कई लोग बहुत अमीर होंगे, वो चले जाएंगे माइग्रेट करके कहीं और, क्योंकि उनका बंगलो होगा या कोई विला होगा कहीं और, या छोटा मोटा घर होगा। लेकिन जो मार्जिनलाइज, जिनकी बस एक छोटी सी हट है, वहीं उन्होंने फिशिंग करनी है, वहीं से उन्होंने मार्केट में रोज के रोज अपनी जो फिश बेचनी है, उसे खाना है घर आके, उसको जो भी पैसा आएगा, उनके लिए क्या होगा? ओके, तो ये है सोशल डिस्पैरिटीज इवन बिटवीन द पीपल हु लिव इन द कोस्टल एरियाज। सेकेंड क्या होगा बेसिकली कॉन्सिक्वेंस, अगर हम देखें जो वेदर फॉर्मेशंस हैं जैसे साइक्लोन्स, ओके, आप जानते हैं ये टिपिकली ओरिजिनेट करते हैं ओपन सीज में।
तो जैसे GSML जो है इट वुड कंटिन्यू टू राइज अलोंग विद अ राइज इन ओशन टेम्परेचर्स. अब आप जानते हैं साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो उसकी एक प्री रिक्विसाइट या प्री कंडीशन है कि द टेम्परेचर हैज टू बी हाई, प्रेशर हैज टू बी लो, यू नो मोर द टेम्परेचर एंड ऑफकोर्स लेसर द प्रेशर, दीज थिंग्स. तो टेम्परेचर बढ़ गया है ना, सी लेवल राइज हो रहा है, तो ऑफकोर्स साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. अगेन साइक्लोन्स की वजह से इम्पैक्ट कौन होगा सबसे ज्यादा? कोस्टल कम्युनिटीज. ओके, तो और अब जानते हैं जो इकोनॉमिक लायबिलिटीज आएंगी ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए, जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, जिसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटीज जो कोस्टल एरियाज में रह रही हैं. आई थिंक देखिए सिर्फ हमारे जैसी कंट्रीज नहीं, जापान की बात कर लीजिए या चाइना की बात कर लीजिए, ऐसा तो यू नो टाइम मेमोरियल यही होता आ रहा है कि नदी के पास, रिवर के बैंक्स पे या फिर सीज के बैंक्स पे, कोस्टल एरियाज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है. आइलैंड्स पे जैसे अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी उन्हीं पे पड़ेगा. ओके, बिसाइड्स दिस WMA रिपोर्ट सेज दैट साउथ अफ्रीका वाज अफेक्टेड बाय 5 साइक्लोन्स इन ओवर 2 months. सिर्फ 2 महीने के करीब के समय में 2022 के 5 साइक्लोन्स आ गए साउथ अफ्रीका में, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड. ओके, तो ये हमें यहाँ से पता चलता है. थर्ड पॉइंट, एज द GSML कंटिन्यूज टू राइज मोर सी वाटर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड वाटर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है सी लेवल राइज का. देखिए जैसे जैसे सी लेवल राइज होता रहेगा, ओके, तो ज्यादा से ज्यादा अब सी वाटर ही सी वाटर है ज्यादा, है ना, तो हर वाटर ग्राउंड में सीप इन तो करता ही है, पेनिट्रेट तो करता ही है ना. तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या जा रहा है ग्राउंड के अंदर? सी वाटर. तो जो ग्राउंड वाटर विच इज अदरवाइज फ्रेश वाटर, वो ज्यादा सलाइन होना शुरू हो जाएगा. और सलाइन वाटर आप नहीं पी सकते, हम नहीं पी सकते, उसको यूज नहीं किया जा सकता फ्रेश वाटर यूजेस के लिए. तो इससे क्या होगा? एग्जैसरबेट हो जाएगा वाटर क्राइसिस, नॉट ओनली इन द कोस्टल एरियाज बट ऑफकोर्स इन द अदर एरियाज इन द ग्रेजुअल टाइम. ओके, तो ये चीज. और ऑफकोर्स एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर पे तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है. एग्रीकल्चर में सलाइन सॉइल्स चलती ही नहीं, वहां पे कौन सी कल्टिवेशन होगी? तो एग्रीकल्चर का पॉइंट भी यहाँ पे टच अपॉन हो गया. अब आते हैं हाउ विल सी लेवल राइज अफेक्ट सोसाइटीज. वही जैसा कि मैंने बताया, कोस्टल इकोसिस्टम तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुंदरबंस डेल्टा की बात करें, ये हम रिपोर्ट की नहीं, हम इंडियन कुछ साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जो बता रहे हैं ये बातें. जैसे ये बताते हैं कि अगर हम सुंदरबंस डेल्टा की बात करें वेस्ट बंगाल में, जो संसार का लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया है, तो यहाँ पे सबको पता है कि सी लेवल्स राइज हो रहे हैं. ओके, और कोस्टल इरोजन भी हो रहा है. ओके, तो जो ड्यू टू लॉस ऑफ लैंड एंड सेडिमेंट फ्रॉम कोस्टल एरियाज हैज लेफ्ट मोर आइलैंड्स सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, और साथ ही में बहुत सारी जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो माइग्रेट भी हो गई हैं. ऑफ कोर्स दे हैव बीन फोर्स्ड टू माइग्रेट. ओके, तो ये चीज अब देखिए यहाँ पे जो आप डायग्राम नहीं, बेसिकली इट्स अ पिक्चर, जो राइजिंग सी लेवल कॉजिंग लैंड इरोजन ऑन माउसूनी आइलैंड इन वेस्ट बंगाल. तो आप देख सकते हैं ऐसे धीरे 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 करके पहले ऐसे कटिंग होती है ना, फिर उसके बाद सबमर्ज हो जाता है एरिया बहुत हद तक. तो दिस इज ऑफ कोर्स नॉट अ गुड थिंग. इससे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में माइग्रेशन, फिर उसके बाद आप जानते हैं माइग्रेंट्स के लिए तो वैसे भी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं. सिंस द लाइव्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट इज टाइड इंट्रिकेटली विद द कोस्टल इकोसिस्टम, चेंजेस इन द कोस्टल इकोसिस्टम एज अ रिजल्ट ऑफ GSML राइज स्पेशली व्हेन इट हैपेंस फास्टर देन. अब देखिए जो GSML राइज है उसका जो रेट है, जो रिहैबिलिटेटिव पॉलिसीज हैं या लॉज हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा है. लॉज कहीं बन रहे हैं, क्या कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हो रही हैं, ये क्या रिहैबिलिटेशन में तो कितना ही समय लग जाता है. तो वो डिफरेंस है, वो गैप है इन दोनों चीजों में. इट विल फर्दर एंडेंजर द सोशो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ दीज कम्युनिटीज. इंडीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर्सेज हैविंग इंक्रीज्ड. आप जानते हैं सुंदरबंस में तो इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड, कुछ मिनी पिक्चर्स भी बनी हुई हैं इस पे कि कैसे इस वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ गई है. तो यहाँ पे सोसाइटल या ह्यूमन इंटरफेस को भी हम देख रहे हैं. ग्लोबल एंड लोकल पॉलिसी लेवल चेंजेस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ग्लोबल इंटरवेंशन लेकर आइए, पॉलिसी लेवल, नेशनल लेवल, ये सारी चीज़ें. अब देखिए यहाँ आप इसे देख सकते हैं. ओके, अब एक रिसर्च है, जैसे एक नई रिसर्च जो है, सी लेवल राइज कुड हिट 2 meters by 2100. तो जो ग्लोबल सी लेवल्स हैं
दे कैन राइज बाय मोर देन 2 meters बाय द एंड ऑफ सेंचुरी यानी कि बाय 2100 रिजल्टिंग इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 200 million पीपल. अगर जो ग्लोबल वार्मिंग है वो करंट रेट पे ही होती रहती है तो मोर देन 200 million पीपल जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे. ठीक है, तो जो यहाँ पे हम मैप देख रहे हैं पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड बाय 2100 अज्यूमिंग 2 meter राइज इन. अगर 2 meter राइज होता है सी लेवल में तो कितनी पॉपुलेशन डिस्प्लेस होगी उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हुआ है. सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में बताया है 57 million. ओके, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया. नंबर 1 साउथ एशिया, नंबर 2 ईस्ट एशिया 35 million, फिर साउथ ईस्ट एशिया 33, फिर उसके बाद है नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप 16.5, फिर उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका 13, फिर उसके बाद आता है अफ्रीका 9, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी कोस्ट 8, फिर उस वी हैव 8.5 ऑल्सो साउथ अमेरिका. तो ये आप ऑफकोर्स एक बेसिक सा डायग्राम बना सकते हैं. ओके, व्हाट द रिसर्च सेज, सोर्सेज द कॉन्वर्सेशन, द रॉयल सोसाइटी. खैर, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है. इफ ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज स्टेज, तो जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज है, जो पेरिस अग्रीमेंट का हमारा टारगेट है कि हमें 2 degrees Celsius से कम रखना है बाय 2100, है ना, जो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, तो अगर हम इसे करने में सक्षम हो जाते हैं, ऑन एवरेज मेल्टिंग आइस शीट्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट एस्टिमेटेड 26 centimeters टू द सी लेवल राइज. तो 26 centimeters यहाँ होगा. लेकिन अगर हम देखें ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं बाई 5 degrees Celsius, जो IPCC की रिपोर्ट भी बताती है कि अगर हम इसी स्तर पर चलते रहे, यही हमारा करंट यू नो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा, तो बेसिकली हम 5 degrees Celsius इंक्रीज कर देंगे अपना ग्लोबल टेम्परेचर बाय 2100. तो अगर ऐसा हो जाता है तो जो मेल्टिंग आइस शीट्स हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी 51 centimeters टू द सी लेवल राइज. ओके, वर्स्ट केस सिनारियो यहाँ पे बेसिकली देखा गया है, अगर 2 degrees Celsius से नीचे रहता है और 26 centimeters राइज होता है, तो वर्स्ट केस सिनारियो 5% चांस है दैट कॉन्ट्रीब्यूशन कुड बी एज मच एज 80 centimeters. वर्स्ट केस सिनारियो ना, तो 5% ही चांस होगा इसका, तो 80 centimeters राइज हो सकता है. राइज कुड एक्सीड इवन 1 meter इफ अदर फैक्टर्स, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, अभी तो हम सिर्फ आइस शीट की बात कर रहे हैं लेकिन बाकी मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ओशन वाटर एक्सपेंशन, अगर ये सब कुछ भी हम टेक इन अकाउंट करते हैं तो 1 meter तक भी राइज हो सकता है. अब इस केस में हम 5 degrees Celsius वाले में वर्स्ट केस सिनारियो अगर देखें तो 5% चांस ये है कि जो ग्लोबल सी लेवल राइज है इट कुड एक्सीड 2 meter. ओके, फ्लडिंग अप टू 1.8 million स्क्वायर किलोमीटर, 1.2% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया एंड डिस्प्लेसिंग एज मेनी एज 187 million पीपल. ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे पता चलती है. अब देखिए, हमें इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को डिस्कस करना है. रेसलर्स इन सुप्रीम कोर्ट, व्हाट लॉ सेज ऑन FIR इन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस. आप जानते हैं कि जो रेसलर्स हैं, 7 women रेसलर्स, दे हैव मूव्ड सुप्रीम कोर्ट कि हमें बेसिकली दिल्ली पुलिस को हमने कहा था कि आप हमारी FIR दर्ज कीजिए. हमारी FIR दर्ज नहीं की गई. ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में और पॉक्सो के केस में, पॉक्सो लॉ के केस में या एक्ट के केस में क्या है प्रोविजंस FIR को लेके, जैसे कि हमने देखा, कल डिस्कस किया बहुत ही डिटेल में. कपिल सिब्बल जी ने ये कहा, जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि देखिए जिन पुलिस ऑफिसर्स ने FIR दर्ज नहीं की उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए. तो क्या ऐसा लॉ में एग्जिस्ट करता है या उन्होंने बस सजेस्ट किया, ये भी हम देखेंगे क्योंकि आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत रेलेवेंट है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस all of this. What is the law in FIR after a sexual harassment complaint? तो जब एक sexual harassment complaint आती है तो क्या law क्या कहता है FIR के ऊपर. तो अगर हम code of criminal procedure का section 154 subsection 1 देखे, वैसे तो CRPC आपके लिए important नहीं है, खुद से पढ़ना, पर of course lately हम क्योंकि सब कुछ सब कुछ exhaust हो चुका है. UPSC ने पूरी लक्ष्मीकांत खत्म कर दी है पूछ के, और तो अभी भी बेस वही रहता है क्वेश्चंस का, पर अब क्वेश्चंस डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं, बाकी जगहों से क्वेश्चन आते हैं, लॉज से क्वेश्चन आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से क्वेश्चन आते हैं. तो वैसे ही रिसेंटली हम इतना कुछ देख रहे हैं CRPC से रिलेटेड, या हमने जैसे राहुल गांधी डिफेमेशन केस में भी IPC के कुछ सेक्शंस डिफेमेशन से रिलेटेड देखे. तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए. तो वैसे ही यहाँ पे सेक्शुअल हरासमेंट का एटलीस्ट आपको सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 CRPC का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम सेक्शन 154 को बहुत बार यूज करेंगे. ठीक है,
तो ये एनेबल करता है पुलिस को कि देखिए आप रजिस्टर कीजिए एक एफआईआर को, जब आपको एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है किसी भी कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जिस केस में पुलिस को अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं होती किसी को अरेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो आईपीसी क्या कहता है, आईपीसी के बहुत सारे, अब देखिए कॉग्निजिबल ऑफेंसेस लिखे भी तो कहीं पे होने चाहिए, आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट को कॉग्निजिबल कैटेगरी में रखते हैं। तो यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट एक कॉग्निजिबल ऑफेंस है और उसमें बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है अगर एफआईआर रजिस्टर हो तो। ओके, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, आप जानते हैं जो पहला स्टेप होता है एक प्रोब में वो एफआईआर दर्ज करना होता है। हम पूरा जो क्या स्टेप बाय स्टेप पहले एफआईआर होता है, जब हमने मार्शल कोर्ट भी डिस्कस किया था, मार्शल लॉ भी डिस्कस किया था, तो हमने तब भी देखा था वहां पे भी एक एफआईआर का इक्विवेलेंट होता है, पर जो पहली सीढ़ी है वो एफआईआर रजिस्टर करनी ही है। और इस बार के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत रेलेवेंट है जीरो एफआईआर, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट आप जीरो एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है कि अगर जो यू नो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो आपके पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं हुआ है, लेकिन वो आपके पास आता है अगर कोई ग्रीवेंस लेके अपनी, तो आप उसे रजिस्टर कर लीजिए एफआईआर को, वो जीरो एफआईआर है क्योंकि उसका जो सीरियल नंबर है वो जीरो दिया जाता है। लेकिन वही वाला पुलिस स्टेशन क्या करता है, जो कंसर्न्ड जो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन है फिर वहां पे वो एफआईआर उसको ट्रांसफर कर देता है। फिर वहां वाला जो पुलिस स्टेशन है, जो एक्चुअल कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन है, वो क्या करता है, वो उसको एक सीरियल नंबर देता है, तब वो जीरो एफआईआर नहीं रहती। आई होप मैं आपको बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ और आपको याद होगा। ओके, तो इन तरह के केसेस में, और वैसे भी एफआईआर जीरो एफआईआर के रूप में भी दर्ज की जा सकती है, इस फेलियर टू रजिस्टर एन एफआईआर एन ऑफेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, कपिल सिब्बल जी ने कहा कि देखिए जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा यू नो ये बात है कि एक माइनर में भी एलिजिबली एक माइनर का भी सेक्सुअल हरासमेंट यहाँ पे हुआ है, तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की ऑफिशियल्स ने, उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए। तो क्या ऐसा लॉ प्रोवाइड करता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है या क्या एग्जैक्टली? तो देखिए यहाँ पे आपको जस्टिस एस वर्मा कमिटी के बारे में पता होना चाहिए, जो आई थिंक आप जानते हैं, कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू क्रिमिनल लॉ। जस्टिस एस वर्मा कमेटी ने, जिसे बेसिकली दिल्ली गैंगरेप केस जो 2012 का था उसके बाद फॉर्म किया गया था, उन्होंने रेकमेंड किया था कि देखिए लॉ में एक सेक्शन को इंक्लूड किया जाए जो ये कहे कि अगर एक जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, वो रिफ्यूज कर देता है और विदाउट रीजनेबल कॉज फेल्स टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, ही शैल बी पनिश्ड। इन्होंने सजेस्ट किया जस्टिस एस वर्मा कमेटी ने, लेकिन ऑफकोर्स इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पे सेक्शन 166A इंसर्ट किया गया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में। ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट ही और शी फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू हिम इन रिलेशन टू अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस आई से एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी मिनिमम 6 months की, और मैक्सिमम 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ ही में फाइन भी पे करने के लिए बोला जा सकता है। ऑल्दो दिस इंक्लूड्स, अब ऑफकोर्स यहाँ पे यू नो और भी जितने भी कॉग्निजिबल ऑफेंसेज हैं उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट ही नहीं, मर्डर वगैरह इस तरह के, ठीक है। द प्रोविजन्स, लेकिन सारे कॉग्निजिबल ऑफेंसेज को तो ऑफकोर्स आप कवर करेंगे ही, लेकिन जो प्रोविजन्स हैं वो पर्टिकुलरली मैंशन करते हैं कुछ आईपीसी के सेक्शंस को, जिसमें अगर आप नहीं दर्ज करते एफआईआर तो आपको 6 महीने से 2 साल की सजा होगी, ठीक है। वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको एक्सप्लिसिटली मैंशन किया जाता है आईपीसी के? सेक्सुअल हरासमेंट, रेप एंड गैंग रेप, जो यहाँ पे अब आपको आई थिंक पता चल गया कि कपिल सिब्बल जी ने ऐसा क्यों कहा। तो ट्यूसडे को जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं, वो कहते जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसलर्स को, उन्होंने इसी सेक्शन को मेंशन किया। ओके, सेक्शन 166A ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इट वॉज सबमिटेड दैट द कंप्लेन्स, जो कंप्लेन्स हैं दिल्ली पुलिस को दी गई थी जो रेसलर्स द्वारा 21 अप्रैल को, कोई एफआईआर फाइल नहीं की गई थी, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी बहुत बार एडवाइजरीज इशू की हैं कि देखिए मैंडेटरी एक्शन लिया जाएगा पुलिस द्वारा अगर विमेन के अगेंस्ट कोई भी क्राइम्स होते हैं तो मे बी जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, मतलब किया जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि लॉ कहता है,
Well, let's see what happened. Since the complainants against Singh include a minor, what are the FIR provisions under POXO? तो हम POXO को देख लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक minor भी involved है. जो POXO Act है वो mandate करता है reporting of sexual offences. Section 21 जो है POXO Act का वो state करता है कि देखिए अगर आप fail हो जाते हैं इस तरह के किसी भी offence को report करने में या फिर आप refuse कर देते हैं ऐसा कुछ भी होता है ठीक है तो आपको पनिश किया जाएगा विथ जेल टर्म एक्सटेंडेड टू 6 months और अ फाइन और बोथ. तो सिर्फ फाइन भी हो सकता है जेल भी हो सकती है दोनों भी हो सकते हैं. द एक्ट देयरफॉर मेक्स तो मतलब जस्ट ये है कि मैंडेटरी करता है POXO ठीक है कि आपको रिपोर्ट करना ही है एक बार ही आपको कंप्लेंट मिल जाए एक चाइल्ड से है ना. What if the police refuse to file an FIR? अगर पुलिस रिफ्यूज कर दे कि हम FIR को फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो देखिए बात यह है कि क्या कोई और रेमेडी अवेलेबल है पिटिशनर्स के पास या फिर जो इसमें ग्रीव जो जिनकी ग्रीवेंसीज हैं बेसिकली उनके पास. तो जो CRPC का सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 है हम सेक्शन 154 के ही सबसेक्शंस देख रहे हैं राइट. तो वो ये कहता है कि अगर एक जो इंसान जो एग्रीव्ड है अगर वो पुलिस इंचार्ज उनकी FIR दर्ज नहीं करता है तो वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं उस कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में SP को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ठीक है. तो SP क्या करेगा वेरिफिकेशन करने के बाद इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा जो बेसिकली जो वेरिफिकेशन करने के बाद क्या करेगा या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं वो केस को या फिर वो डायरेक्ट करेगा एक प्रोब के लिए. ऑफ कोर्स पुलिस को डायरेक्ट करता है ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को साथ में ये भी मेंशन किया कि देखिए एक और रेमेडी है ये तो हमने SP वाली रेमेडी देख ली है ना. तो आपके प्रीलिम्स में ही लिखा आ सकता है कि रेमेडी में SP या मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं दैट्स ट्रू. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वही बताया कि सेक्शन 156 भी है CRPC का उसमें भी एक रेमेडी अवेलेबल है अगर एक इंसान जो एग्रीव्ड है वो पुलिस रिफ्यूज कर देती है टू फाइल एन FIR तो कंप्लेंट कहाँ दर्ज की जा सकती है बिफोर अ मजिस्ट्रेट. फिर मजिस्ट्रेट क्या करते हैं जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है फिर वो ऑर्डर कर सकते हैं कि केस दर्ज किया जाए पुलिस स्टेशन में और जो कंप्लेन है बिफोर द मजिस्ट्रेट वुड बी जो कंप्लेन आपने मजिस्ट्रेट कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की वो कंप्लेन को ही FIR माना जाता है और फिर पुलिस जो है इट कैन इन्वेस्टिगेट इट्स ओन यू नो थिंग. कैन अ प्रेलिमिनरी इंक्वायरी बी कंडक्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन. अब देखिए आप जानते हैं कि स्टेट ने क्या कहा यानी कि सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने क्या कहा कि देखिए पुलिस के बेसिकली तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें ऐसा लगा वी फेल्ट यू नो कि हमें पहले एक प्रेलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए इससे पहले कि हम FIR दर्ज करते हैं. तो कपिल सिब्बल जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि देखिए मिस्टर सुप्रीम कोर्ट आपको याद है एक केस हुआ था 2013 में ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ UP एंड अदर्स तो उस केस को याद कीजिए ठीक है. तो उस केस में मेन इशू क्या था कि क्या जो पुलिस ऑफिसर है इज शी बाउंड टू फाइल एन FIR फॉर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और डज द ऑफिसर हैव द पावर टू कंडक्ट अ प्रेलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर द FIR कि क्या बेसिकली मैंडेटरी है कि आपको FIR दर्ज करनी ही करनी है या फिर ऑफिसर के पास पावर है कि वो पहले एक प्रेलिम इंक्वायरी कर सकता है और फिर FIR दर्ज होगी अगर वो सही निकलती है इंफॉर्मेशन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसमें क्या कहा था उन्होंने कंक्लूड किया था कि देखिए जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR है अंडर सेक्शन 154 CRPC इज मैंडेटरी अगर जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है. तो मतलब इट इज मैंडेटरी आपको FIR दर्ज करनी ही है. तो और FIR की स्टेज पे बाकी यू नो जो कंसिडरेशन है वो रेलेवेंट भी नहीं होती कि क्या इन्फॉर्मेशन फॉल्स तो नहीं है फॉल्सली गिवन तो नहीं है जेन्युइन है भी है कि नहीं है क्रेडिबल है ये सारी चीजें वहां रेलेवेंट. आप दर्ज कर लीजिए FIR ठीक है बस बात खत्म एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में. और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो स्कोप ऑफ प्रेलिमिनरी इंक्वायरी है इट इज नॉट टू और जो अगर हम प्रेलिमिनरी इंक्वायरी की बात करें तो उसका मतलब वो कंडक्ट करने का मतलब ये नहीं कि क्राइम कितना भयानक था या फिर बहुत सारी और चीजें उसका वो एम है ही नहीं बट ओनली टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन रिवील्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस कि क्या उस प्रेलिमिनरी इंक्वायरी में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है मतलब बेसिकली उस इंक्वायरी में ये कंडक्ट किया जाएगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं है बस. इट गेव एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ केसेस वेयर सच एन इंक्वायरी कैन बी मेड तो कौन से केसेस में इस तरह की इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है फैमिली डिस्प्यूट्स के केस में कमर्शियल ऑफेंसेस के केस में मेडिकल नेगलिजेंस के केस में करप्शन केसेस और इन तरह के
यू नो वेयर देयर कैन बी एन अबनॉर्मल. ओके, तो वही चीज़ द कोर्ट सेड दिस इंक्वायरी शुड नॉट, और इस इंक्वायरी के समय को भी 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शुअल हरासमेंट मैंशनड नहीं है. ठीक है, तो बाकी हम यहाँ पे अब केसेस देखते हैं. अब देखिए, हमें आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करना है. एंड आई वेरी वेल रिमेंबर कि मुझे स्पेस पॉलिसी, ऑल्दो मैं न्यू स्पेस पॉलिसी को डिस्कस कर चुकी हूँ 2 दिन के वीडियोस में, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें आई हैं और मुझे ये डिस्कस करना है कि कैसे यू नो जो स्पेस सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे यू नो बेसिकली क्या चीज़ें अनलीश करेगा. आई हैव टू गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कुछ स्टार्टअप्स के बारे में, या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या अभी भी चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, फुल फ्लेज्ड यू नो जो आपके लिए मटेरियल होना चाहिए. आई क्वाइट रिमेंबर, तो हम कल उसे डिस्कस करेंगे या हम कर लेंगे उसे डिस्कस. लुकिंग एट बैंक्स मॉडल्स मोर क्लोजली दास, तो देखिए ये आपके इस बार के मेंस के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है, प्रेलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है. देखिए अब तो जो लाइन ना बहुत ही थिन है, आप इस बारे के मेंस के क्वेश्चंस उठा के देखिए, वो मोर और लेस प्रेलिम्स की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं आपसे. तो ऑफकोर्स एक कहीं क्वेश्चंस हैं जो एनालिटिकल हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में फैक्चुअल आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगे. यू नो इट, यू नो इट, यू डोंट नो इट, यू डोंट नो इट. तो इस तरह की चीज़ें अब कोई इसलिए बैरियर है नहीं उसमें. तो अब देखिए क्या यहाँ पे यू नो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी कह रहे हैं. आप जानते हैं रीसेंट जो यूएस और यूरोप के बैंक फेलियर्स हुए हैं, तो वही यू नो कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके दौरान बात यह है कि क्या इंडिया के यू नो बैंक्स के साथ ऐसा हो सकता है, इंडिविजुअल बैंक्स के साथ कि नहीं. तो अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आपसे बेसिकली पूछा जा सकता है कि क्यों इंडियन बैंक्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता, जो SVB या सिग्नेचर बैंक्स इस तरह, या क्रेडिट स्वीस बैंक का हमने क्राइसिस देखा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स RBI लेकर आई हुई है और वो आपको मेंशन करना है. जो भी कुछ आपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, वो सब मेंशन कर देना वहाँ पे. कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट्स, एसेट क्लासिफिकेशन Tier 1, Tier 2, Tier 3, और वैसे भी NPA वगैरह ये सब कुछ, ठीक है. और प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, जैसे ही NPA शुरू हो जाता है वैसे ही थोड़ा थोड़ा प्रोविजनिंग रखना शुरू कर देना चाहिए बैंक्स को, है ना. लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, मार्जिनल फैसिलिटी, दिस दैट. NPAs ऑफ बैंक्स हैव डिक्लाइंड टू यू नो 4.41% एज ऑफ December 2022, जो पहले 5.8% हुआ करता था March 2022 में. एंड यू नो वही सारी चीज़ें, और 7.3 था 2021 में, तो डिक्लाइन होता जा रहा है. तो इंडिया के केस में वी आर क्वाइट सेफ, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे. ओके, अब यहाँ आपको पता चलेगा, तो हम यहाँ 7th day पे हैं, ठीक है. 7th day ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑफ सेम सेक्स जो मैरिज के बारे में केस चल रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ आपको एक डाइवर्जन दिखेगी. अभी तक काफ़ी फर्म और अलग. अब कल क्या हुआ, कल हमने डिस्कस किया कि केंद्रीय सरकार का क्या स्टैंड है, और हमने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. तो आज इंडियन एक्सप्रेस में वही सारा सेंटर का स्टैंड आया है एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, तो हम उसे नहीं देखेंगे कल, क्योंकि हमने एक भी चीज़ मिस नहीं की है जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने कही, ठीक है. तो अब कल जो सेंटर ने कहा वो बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च के बाद वो सारी चीज़ें उन्होंने कही, और क्वाइट इम्प्रेसिव आई वुड से. नॉट दैट आई क्वाइट बिलीव इन जो स्टैंड वो रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो अलग बात है, पर जिस तरह से रिसर्च करके और जो पॉइंट्स उन्होंने यू नो दिखाए सुप्रीम कोर्ट को, बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है. वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है. तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट अपना थोड़ा सा पाथ ही डाइवर्ट कर लेते हैं. अब मैरिज से सीधा हम आ जाते हैं कि मैरिज छोड़िए, हम यू नो पार्टनरशिप भी तो बोल सकते हैं सेम सेक्स यूनियन को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हम देखने वाले हैं. रेडी टू प्ले फैसिलिटेटर टू पुश गवर्नमेंट टू ईज कंसर्न्स ऑफ सेम सेक्स पार्टनर्स, ठीक है. क्वाइट रेलेवेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज इकोनॉमी, एवरीथिंग इज कन्वीनियंस ऑफ लाइफ, एवरीथिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो जो कुछ बैरियर्स हैं डे टू डे लाइफ में सेम सेक्स पार्टनर्स के, उनको क्या कम किया जा सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को कहा है कि देखिए हम तैयार हैं एक फैसिलिटेटर का रूप यू नो के रूप में काम करने के लिए, कि हम गवर्नमेंट को पुश कर सकते हैं कि वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले, ताकि जो बैरियर्स हैं और जो डे टू डे हर्डल्स हैं या ह्यूमन कंसर्न्स हैं, उनको थोड़ा कर्ब किया जा सके, ठीक है, जो को हैबिटेटिंग सेम सेक्स पार्टनर्स हैं उनके लिए.
ओके बहुत सारे एरियाज देखिए, जॉइंट बैंकिंग हो सकती है, जॉइंट बैंक अकाउंट खुलवाना हो पार्टनर ने, है ना, पार्टनर्स ने, और इंश्योरेंस के केस में, उनके बच्चों के एडमिशन के केस में के कहेंगे मदर फादर कौन है, ऐसी ज़बरदस्ती वाली बातें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डील किया जा सकता है विदाउट टचिंग अपॉन के क्या लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को दी जा सकती है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तैयार हैं, हम फैसिलिटेटर के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं, यू नो के रूप में काम करने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं है कि हमें टच करना ही है कि लीगल रिकॉग्निशन सेम सेक्स मैरिज को दी जाए। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कल बहुत सारी बातें, यू नो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आप देखिए कोर्ट है, सुपर लेजिस्लेचर मत बनिए, बहुत सारी बातें हमने कल डिस्कस की। तो वो तो ऑफकोर्स कोर्ट के पास तो एक लिमिटेशन है ही, कोर्ट के नॉट मेक लॉज, ओके। तो ये कल चीज़ें जो बोली उसका ही रिफ्लेक्शन आज हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज है उसमें देखने के लिए मिल रहा है। द सेवन डे ऑफ द कोर्ट हियरिंग ऑफ पिटिशन सीकिंग लीगल स्टेटस फॉर द सेम सेक्स मैरिजेस विटनेस्ड अ शार्प डाइवर्जन ऑन द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़। पिटिशनर्स आप जानते हैं वो चाहते हैं कि जुडिशियल डिक्लेरेशन दी जाए ऑफ नथिंग लेस देन अ फुल मैरिज स्टेटस, जो सबके पास है वो हमें भी मिलना चाहिए। पिटिशनर्स का ये सिंपल सी बात है, वो कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे। ऐसा अगर आप पिटिशनर्स के लॉयर्स को देखेंगे वो बिल्कुल यही कहते हैं कि वो कुछ स्पेशल नहीं मांग रहे, वो बस वो मांग रहे हैं जो बाकी ऑर्डिनरी लोगों के पास है, वो ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, ओके। तो वो तो ऑफकोर्स इस बात पे हैं कि फुल मैरिज स्टेटस ही दिया जाए हमारे सेम सेक्स कपल्स को। लेकिन जो कोर्ट है उनका ये कहना है कि देखिए वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर एन ऑल और ब्रोक्स अप्रोच, ठीक है, या तो ये या तो नहीं, कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे रहे तो ठीक है हमने आपसे बात ही नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट से हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो कोर्ट एक पॉइंट पे तो ये कहते हैं कि देखिए जो लेबल्स हैं यू नो कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप वो डिस्क्राइब किया जा सकता है सेम सेक्स यूनियंस के लिए रादर देन मैरिज। पार्टनरशिप भी तो कहा जा सकता है, मे बी यू नो स्कूल्स में जो एडमिशन फॉर्म है बच्चे के उसमें पार्टनर लिखा हो कि आपके पेरेंट्स कौन है, मदर फादर, मतलब कुछ ऐसा भी चेंज हो सकता है। द गवर्नमेंट हैड आर्ग्यू दैट द कोर्ट वुड एनक्रोच, वही चीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि आप लेजिस्लेटिव एरेना में मत, पार्लियामेंट को डिसाइड करने दीजिए, हम एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, और उनके लिए भी आसान बात नहीं है, आप एक जुडिशियल डिक्लेरेशन से कैसे सब कुछ चेंज कर दोगे, ऐसा पॉसिबल है? तो वैसे यू नो यहाँ पे डी वाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि वी अंडरस्टैंड आर लिमिटेशन इज अ कोर्ट बट देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स फेस बाय सेम सेक्स कपल्स विच your ministries on the administrative side can find real solutions to. We can act as a facilitator to achieve these solutions. जैसे कि मैंने बताया joint banking, insurance, इस तरह की चीज़ों में, ओके, क्योंकि आपको याद होगा जो अरुंधति कार्ड जो है वो ये पॉइंट रखती हैं, या फिर जो मेनका गुरु स्वामी है जो दे आर पार्टनर्स एक्चुअली, तो वो ये रखती हैं पॉइंट के मेरे को वो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की जजेस ही वो लॉयर्स हैं बेसिकली सीनियर लॉयर्स, तो वो कहते हैं कि हम यू नो जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है वो भी नहीं ले सकते क्योंकि हम पार्टनर्स हैं, हम मैरिड नहीं हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो इसीलिए यू नो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ये कह रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सेट, तो इस पे यू नो जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस पे काफ़ी कूल है, बहुत चिल है इस बात पे, कहते हैं ठीक है कि मैं सरकार को कंसल्ट करूंगा, मैं रिपोर्ट बैक करूंगा वेंसडे को जो नेक्स्ट डे है हियरिंग की। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक्सेप्ट फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप्स एज मैरिज, मैरिज वाली बात को छोड़ के कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हैं हम तैयार हैं उनको एड्रेस करने के लिए, दे कैन बी एड्रेस्ड। तो जस्टिस एस रविंद्र भट्ट जो एक और जज हैं जो बेंच को हेड कर रहे हैं वो कहते हैं कि देखिए एक अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें तो उनकी ड्यूटी है कि वो इन बैरियर्स को ब्रेक डाउन करें जो फेस कर रही है LGBTQIA+ कम्युनिटी इन द डेली लाइफ्स। जस्टिस PS नरसिम्हा कहते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है कि रिकॉग्निशन का मतलब मैरिज ही हो, है ना, रिकॉग्निशन का मतलब पार्टनरशिप भी हो सकता है कि हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यू एज पार्टनर्स, यू नो दीज एसोसिएशन शुड नॉट ऑलवेज बी इक्वेटेड टू मैरिज। जस्टिस संजय किशन कौल जी कहते हैं कि यू नो सॉलिसिटर जनरल से पूछते हैं कि आप प्लीज़ यू नो पता लगाइए कि सरकार ने आज तक कोई भी कमेटी बिठाई है जब से नवतेज सिंह जौहर जजमेंट आई है, कुछ बैठ के आपने रिसर्च करवाई है या कुछ, तो अगर ऐसा है तो कुछ लेके आइएगा अगली बार, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे हुआ है, ओके। प्रोब खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म रिव्यू पैनल अर्जेस UK गवर्नमेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये जो पूरी रिपोर्ट है, अब एक रिव्यू जो कमीशन की गई थी, एक रिव्यू कमीशन बैठी थी बेसिकली UK में, बोरिस जॉनसन की सरकार ने बेसिकली इसको कमीशन किया था, तो उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है
और बहुत सारी चीज़ों पे यू नो इन्होंने बात की है, स्पेशली जो खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर. रिसेंटली आपने जो देखा, इंडियन फ्लैग वॉज टेकन डाउन एंड नॉट मोर थिंग्स लाइक दैट. तो उस पर बेसिकली इन्होंने कुछ कहा है कि इन्होंने सजेस्ट किया है इस रिव्यू कमीशन ने कि हमें एक ज़्यादा नुएंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है इस सिख एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी के बारे में, ताकि हम एक्सीडेंटली जो सरकार है, जो यूके है, वो लेजिटिमाइज ना कर दे एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को. अब ये बेसिकली क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, न्यू दिल्ली. अब आप जानते हैं कि हमारी एलिगेशन ये है इंडिया की, लंदन पे, कि आपने इनफ नहीं किया टू कर्ब द खालिस्तानी मूवमेंट इन द यूके. प्रो खालिस्त, ओके दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द वाइड रेंजिंग रिव्यू ऑथर्ड बाई एन इंडिपेंडेंट एडवाइजर कोलिन ब्लूम एंड कमिशन्ड बाई द बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट इन 2019. उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया कि देखिए, एक स्मॉल माइनॉरिटी है ब्रिटिश हिंदूज की, तो वो अब बहुत ज़्यादा एसोसिएट करने लगे हैं खुद को हिंदू नेशनलिज्म से, जो इंडिया में हो रहा है उससे. तो कुछ भी वहाँ होता है तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह के स्लोगन्स जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, जो भारत में हम कुछ कुछ जगहों पर देखते हैं, तो वो उसको एको करते हैं. और वहाँ पर भी आपस में, पहले ऐसा नहीं होता था, ब्रिटिश हिंदू जो कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं तो खुद को ब्रिटिशर्स ही मानते थे, वो ऐसे एसोसिएट नहीं करते थे बाकी जो हो रहा होता था इंडिया में. लेकिन थिंग्स हैव चेंज्ड. ओके, इट अर्ज द यूके गवर्नमेंट टू बी अटेंटिव टू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इंसाइटिंग इंसाइटिंग प्रिजुडिस इन द ब्रिटिश सोसाइटी. तो अब ध्यान रखिए, ये जो हिंदू नेशनलिज्म वाला इन्होंने कहा है जो हो रहा है, या बुद्धिस्ट नेशनलिज्म के बारे में भी इन्होंने टच अपॉन किया, और जो खालिस्तानी लेजिटिमाइजेशन, जो ब्लूम रिव्यू है, उन्होंने 22 रिकमेंडेशंस की हैं, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये कहती है कि वाइट सुप्रीमिज्म, ऑफ कोर्स वी हैव टू कॉम्बैट इट. ओके, और जो फोर्स्ड मैरिजेज हैं, ये भी सही नहीं है. और इसीलिए साथ ही में कुछ एक रिकमेंडेशन भी ये भी है कि पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक सर्वेंट्स को फेथ के बारे में ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है. फेथ क्या होता है, कैसे उसके साथ एंगेज करना है, एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, द सेक्शन ऑन, अब जो सेक्शन है सिख एक्सट्रीमिज्म पे, तो वो शुरू कैसे होता है, रिव्यू कमीशन जब रिपोर्ट अपनी लिख रही है, तो पहले तो वो बहुत पॉजिटिवली, जो ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, यानी कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन आज तक सिख्स ने दिए हैं ब्रिटिश सोसाइटी के लिए. आप जानते हैं कि यू नो जो सिख कम्युनिटी है, हाउ मच दे वर्क फॉर सॉलिडारिटी, एंड जो COVID-19 में जो खालसा एड चला, और बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही में कैसे यूके, यूएस, इन तरह की कंट्रीज में कितने रिच मैन बने हुए हैं सिख कम्युनिटी के लोग. यू नो दीज थिंग्स वेरी वेल. सो ऑफकोर्स उन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया है ब्रिटिश सोसाइटी की ग्रोथ में. तो पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं, जो सच हैं ऑफकोर्स, तो वो लिखी हैं. लेकिन फिर उसके बाद कुछ तीन प्रॉब्लमेटिक एरियाज को वो आइडेंटिफाई करते हैं. पहला ये कि एक पावर स्ट्रगल एग्जिस्ट करता है विद इन द सिख कम्युनिटीज, कि लेजिटिमेटली आप वाली कम्युनिटी हमें रिप्रेजेंट करते हो, आपकी कम्युनिटी हमें, मतलब असल सिख कौन है, समझ रहे हैं, वो वाली बात. ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है खालिस्तानी मूवमेंट. ओके, तो जिसमें रिपोर्ट कहती है दिस इज एन एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज आइडियोलॉजी. थर्ड क्या है प्रॉब्लमेटिक एरिया, कुछ इंडिविजुअल्स और सिख ग्रुप्स जो हैं, दे आर फ्यूलिंग एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, मिसोजिनी एंड सेक्टेरियनिज्म आल्सो. ओके, तो ये चीज़ें हमें यहाँ से प्रॉब्लम्स पता चलती हैं. अगर हम खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, स्टडी ये कहती है दे हैव बीन नोन टू इंसाइट वायलेंस एंड इंटिमिडेशन टू अचीव देयर गोल्स. अब देखिए, ये आपको काफ़ी अचंभित कर देगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बात, कि इन्होंने उनको इस मांग से कोई दिक्कत नहीं है. ये मांग जिस तरह से की जा रही है वायलेंसली, उससे दिक्कत है. तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता इंडिया को, क्योंकि हम तो इस मांग के ही खिलाफ है. अगर हम इंडिया के ऑफिशियल, यू नो, ऑफ कोर्स एक बात सोचिए आप, इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है सबसे बड़ा, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, राइट? तो हम, हमारी कोई टेरिटरी का हिस्सा कैसे अलग हो सकता है? तो हमारे लिए तो ब्रिटिश का ये क्लेम भी सही नहीं है. इट हैज़ टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. इंटरेस्टिंगली दिस टेरिटोरियल क्लेम डज नॉट इंक्लूड, और साथ ही में ये भी है कि ये जो टेरिटोरियल क्लेम खालिस्तानी जो हैं वो करते हैं, वो जो पाकिस्तानी पंजाब है उसका कोई एरिया नहीं मांगते, सिर्फ इंडिया पंजाब, उसका कुछ शिमला का पोर्शन और ये सब वगैरह. और वही, और एग्जैक्टली पता नहीं है कि फेथ बेस्ड इनका मांग है खालिस्तान की, या एग्जैक्टली क्या एरिया और क्या लिंक है, मतलब ये चीज़ नहीं पता. ठीक है, द रिपोर्ट सेज सम ग्रुप्स कम्पीट फॉर पावर एंड लेजिटिमेसी बाय मैस्करेडिंग. तो ये भी इन्होंने कहा है कि कई लोग खुद को, क्योंकि सिख जो है, यू नो, सिख्स दे वर्क अ लॉट फॉर ह्यूमैनिटी, राइट, ह्यूमन राइट्स एंड नॉट अ लॉट मोर थिंग्स, राइट? तो कई लोग खुद को
सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए खुद को सिख बताते हैं, वो है भी नहीं है भी इन द सेंस वो उसमें बिलीव भी नहीं करते, वो खुद को ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बताते हैं, खुद को सिख बताते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने यू नो इस तरह की डेंजरस और ऑफेंसिव इमेजरी को प्रोपोगेट करके अपने पॉलिटिकल एम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। इट अर्जेस द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, यूके गवर्नमेंट को, कि आप देखिए लेजिटिमाइज मत कीजिए सिख एक्सट्रीमिज्म को वाया गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री एंगेजमेंट, कि हम आइए आपके साथ डायलॉग कर लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपने इक्वल बता दिया ना उनको, जब आपने उनसे बातचीत कर ली, तो उन्होंने बोला है कि देखिए फेथ लिटरेसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है across the government and the parliament. Significantly, the report says the promotion of Khalistani ideals is not itself why jo kafi India ke liye, I think, kyunki India ka stand to yahi hai ki you know jo mang hai wahi galat hai, tarika to ruka to galat hota hi hai, wo baat ki baat hai, it should not be tolerated. Okay, inhone kaha hai ki wo way na tolerate kiya jaye, baki it's fine agar wo peacefully karte hain, to it's not written, par matlab to yahi hai. हिंदू नेशनलिज्म, अब हिंदू नेशनलिज्म के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी मच मोर अलाइव टू द वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल बट इट इज देयर ग्रोइंग फिनोमिनन है बेसिकली एक्सट्रीम हिंदू नेशनलिज्म और बुद्धिस्ट नेशनलिज्म का। ओके, जो ये स्मॉल माइनॉरिटी है ब्रिटिश हिंदूज की, इनफैक्ट जो मेजोरिटी है ब्रिटिश हिंदूज की वहाँ पे, वो उनको भी इरीटेट कर देते हैं इस तरह के अपने हिंदू पोलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से, जो इंडिया में हो रहा है वो वहाँ पे बार बार उसको एको करते रहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है, जैसे हमने अभी रिसेंटली क्या देखा, जो लेस्ता में हुआ था, जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, वो एक्चुअल में इंडियन सिटीजन्स भी नहीं है अब तो, जो आपस में वहाँ मुस्लिम और हिंदू लड़ पड़े, और वो मुस्लिम भी अब पाकिस्तानी सिटीजन्स नहीं है या अपने नेटिव नेशंस के, वहीं के हैं, तो आपस में वो क्यों लड़ रहे हो एक मैच, जो अगर देखा जाए तो आपकी कंट्री तो है नहीं ना, अब फिर क्यों लड़ना और इतनी वायलेंस हो जाना। तो ये बेसिकली रिपोर्ट कह रही है। ओके, तो वही सारी चीज़ों उन्होंने कहा पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है ऐसा, तो हमें और ये डिस्टेबलाइज कर देगी ब्रिटिश सोसाइटी को आने वाले समय में, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट एल्स इज लेफ्ट। ओके, द मासा रिबेल ग्रुप साइंस पीस पैक्ट विद सेंटर असम गवर्नमेंट। अब देखिए जो असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, द मासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA, या फिर दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल, तो जो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, अब आपको ये पता होना चाहिए एरिया असम का है, ठीक है, जो ऑपरेट करती थी ये इंसर्जेंट ग्रुप, उन्होंने एक पीस पैक्ट, एक पीस अग्रीमेंट साइन की है असम गवर्नमेंट के साथ और सेंटर के साथ, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एंड द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो MOU है वो ये कहता है कि ये कंप्लीट एंड कर देगा इंसर्जेंसी का, एंड देर आर नो मोर आर्म्ड ग्रुप्स इन द असम टूडे। Well, good enough. He said that under the agreement, DNLA representatives had agreed कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, सरेंडर कर रहे हैं आर्म्स का, एम्यूनिशन का, डिस्बैंड कर रहे हैं हमारी आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, आज से डिजोल्व हो गई, वेकेट कर रहे हैं अपने सारे कैंप्स को, है ना, तो बहुत अच्छी बात है, हम मेन स्ट्रीम को, सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, लाइवलीहुड एंड ऑल ऑफ दैट। एज अ रिजल्ट ओवर 168 आर्म्ड कार्डर्स ऑफ DNLA सरेंडर्ड विद देयर वेपन्स एंड ज्वाइन द मेन स्ट्रीम विच इज वेरी गुड। तो ये दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात, तो फाइनली वहाँ पे अब कोई भी इंसर्जेंसी नहीं होगी। द दिमासा वेलफेयर काउंसिल विल बी सेट अप बाय द असम गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्रिज़। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सोशो कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है पर्टिकुलर ग्रुप्स की, उन्हें प्रिजर्व किया जाए, तो उसके लिए काउंसिल बनाई जाएगी टू मीट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एस्पिरेशंस एंड विल इंश्योर स्पीडी एंड फोकस्ड डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें यहाँ लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जो पोर्ट सूडान से हमने जो इवैक्यूएशन की है इंडियंस की, जो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो वी सेंड आवर थर्ड शिप INS तारकाश टू पोर्ट सूडान फॉर इवैक्यूएटिंग सिटीजन्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हम इससे पहले भी INS सुमेधा, है ना, जो 278 इंडियंस को लेके आई वापस, इट्स द सेम INS सुमेधा जो यू नो इट हैज़ गॉन बैक एंड रीडॉक्ड टूडे टू सॉर्टीज ऑफ। ओके, वही सारी बातें, फिर उसके बाद INS तेग के बारे में भी। ओके, देखिए मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जिस लेवल का ग्लोबलाइजेशन आज एग्जिस्ट करता है और जिस लेवल की पॉपुलेशन इंडिया की है, शायद ही संसार में ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा जहाँ पे इंडियंस स्ट्रैंडेड नहीं होंगे। वी लिव इन सच अ ग्लोबलाइज्ड एंड बॉर्डरलेस वर्ल्ड,
तो बात क्या है, हमें और खुद को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा इन तरह के रेस्क्यू मिशंस के लिए या इन तरह की इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमने सऊदी अरेबिया से यहाँ पे मदद मांगी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमें अगर हम आत्मनिर्भरता की बात ही कर रहे हैं, सो वी शुड ऑफकोर्स बी वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। तो ये चीज़ आई थिंक आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अगर आप ग्लोबलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर लिख रहे हैं, तो आप ये एस्पेक्ट भी डाल सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी रीसेंट, राइट? ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट डी रेकग्नाइजेज टू पोस्टल यूनियंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, केंद्रीय सरकार ने जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है आई थिंक, तो उन्होंने डी रेकग्नाइज किया है ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन को और साथ ही में नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि ये केंद्रीय सरकार के हिसाब से कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे, जो यहाँ पे आप जानते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन रूल्स 1993 प्रोहिबिट करता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जब इन्हें डी रेकग्नाइज किया, वो इसलिए किया गया है कि कुछ फार्मर्स मूवमेंट्स में इन्होंने पैसा दिया और यहाँ पे कुछ CPIM ऑफिस को भी इन्होंने पैसा दिया। लेकिन देखिए जो AITUC है, जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस वगैरह, वो बहुत सारे और जो बड़े बड़े, वो कह रहे हैं कि हम इनको ऑर्गेनाइजेशनली चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर को। क्योंकि बात क्या है कि हर तरह की वर्कर्स मूवमेंट्स में या फिर सॉलिडारिटी जताने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ पैसा डोनेट किया जाता है। आज तक ऐसा ही होता है, अगर आपको लग रहा है पहली बार हुआ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रेड यूनियंस वर्कर्स को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पैसा डोनेट करते हैं, ऐसा मैं स्टैंड बता रही हूँ इस पर्टिकुलर बॉडी का, ठीक है? और जो CPIM ऑफिस को पैसा दिया गया या उनसे बुक्स खरीदने के लिए पैसा दिया, अब देखिए एंड फॉर बाइंग बुक्स फ्रॉम CPIM ऑफिस, तो बुक्स खरीदने के लिए जो पैसा आपने दिया, तो ये तो पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, प्राइवेट ट्रांजैक्शन है ये, तो उसके लिए क्यों किसी की वो रद्द करना, ऐसा बॉडी का कहना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर, वही चीज राजनाथ टू चाइना, द वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स एज इरोडेड द एंटायर बेसिस ऑफ बायलेटरल, वही जो चीज जो हमारे एस जयशंकर बार बार रिइटरेट करते हैं कि अगर बॉर्डर पे टाइज अच्छे नहीं हैं तो किसी और सेक्टर में भी टाइज अच्छे नहीं हो सकते, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।